तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे और यह जो हिंदी का फर्स्ट लेसन है यह उन विद्यार्थियों के लिए है जो उर्दू का सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। और ये उनका नॉन हिंदी है जिसका पहला लेसन जो कि एक बहुत ही खूबसूरत एक बहुत ही शानदार कविता है, एक गाना भी कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है जिसको सुनने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसमें जो कविता है इसमें लिखा है, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन रख। ये जो हमारे ज़िंदगी की के बारे में जो बताया गया है, यह कहानी हमारा ज़िंदगी बदल सकता है। वैसे पता होना चाहिए कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी एक खुदा का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा है जिसमें दुख भी होगा, तकलीफ़ भी होगा, परेशानी भी होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे? या तो आप अपने परेशानियों को वही सोच सोच करके कि मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है, ये सोच के अपने ज़िंदगी को बिताएंगे, या फिर कुछ नया करेंगे कि अपने अतीत को भूल करके कुछ नए ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। इसके बारे में वही चर्चा किया गया कि हमारे ज़िंदगी में दुख और परेशानी तो आएंगे ही, इस दुख और परेशानी को भूल करके अपने ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना ही हमारा सबसे पहला मानव धर्म है। गॉड ने हमें इंसान का रूप दिया है और इंसान को ही दुख और तकलीफ़ की फीलिंग हो रहा है। वैसे इस दुनिया में सबको दुख और तकलीफ़ होता है, लेकिन सब कुछ भुला करके एक नए ज़िंदगी की शुरुआत करना ही इंसानियत है। और इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे, अगर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ सुख ही सुख हो, दुख हो ही नहीं, तो उस सुख का कोई मायने नहीं रखता है। और अगर हम अपने दुख से परेशान हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे ही ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, तो ये हम लोग गलत सोचते हैं। खुदा उसी को दुख देता है, खुदा ये ज़िंदगी उसी के साथ खेलती है जो अपने ज़िंदगी में खिलाड़ी बेहतरीन रहता है, और अच्छे एक्टर को ही मुश्किल रोल दिए जाते हैं, ये दिमाग में हम लोग रखेंगे। इसका मतलब गॉड आपसे कुछ छीन रहा है, आपको परेशानी दे रहा है, इसका मतलब आपको कुछ बेहतर देगा, इसीलिए आपसे कुछ चीज़ें छीन लेता है। यहाँ पर इस लेसन में हम लोग देखेंगे ज़िंदगी के बारे में, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन रख। अगर तुम ज़िंदा हो, अगर पता है कि हम ज़िंदा हैं, तो अपने जीत पर सिर्फ यकीन रखें कि आगे हमको जीतने के लिए ही बनाया गया है, या तो हम जीतेंगे या फिर कुछ सीखेंगे, इसी तरह हम लोग रखेंगे, हारेंगे तो कभी नहीं, ये दिमाग में रख लेना है, ठीक है। यह जो जीवन का राग है उत्साह को प्रकट करती है, एक प्रकार का मोटिवेशन देता है कि अपने जिंदगी में अगर हम जिंदा हैं तो हम जीतने के लिए बने हैं। इस जिंदगी राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर अपने जीत जो भी पास्ट है उस चीज़ को भूल करके एक नए जीत की शुरुआत करनी है इसके बारे में, और नए जीत की शुरुआत के साथ दुनिया में एक नया कदम रखना है, यही आपका ये कहानी बताएगा, ये जो आपका पोएम है। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसका मतलब है कि अगर तू जिंदा है तो अपने मतलब जीत पर यकीन रख, अगर तुमको कहीं भी खुशी जहां मिले उस खुशी को खींच करके ला और जमीन पर अपने लिए उतार। यानी कि लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं उस सभी परेशानियों को भुला करके और जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है उसको पाने की कोशिश करें, उस स्वर्ग को उस खुशी को जमीन पर उतार के अपने मतलब उस खुशी में पार्टिसिपेट हो जाना है, भाग ले लेना है। ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये जो गम है दुख है ये तो चार दिन की ही है। कहा जाता है जिस तरह शाम के बाद फिर से एक नया सवेरा होता है, उसी तरह परेशानी के बाद से फिर से खुशियाँ आती हैं। तो ये चार दिन के दुख है, इससे झल्लाए नहीं, इससे डरे नहीं, इसके बाद शायद खुदा कुछ बेहतर जरूर देगा। ये दिन भी जाएंगे गुजर गए हजार दिन, ये दिन भी गुजर जाएगा। वैसे हजार दिन डेली एक एक दिन गुजर रहा है, बस हमें इतना यकीन रखना है कि जिस तरह हमारा सुख गुजर गया और दुख आ गया, एक दिन उसी तरह हमारा दुख भी गुजर जाएगा और फिर से सुख आएगा। ये बस इस पर विश्वास रखना है और कुछ आगे बढ़ने के लिए हमको आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है। अब कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नज़र, कभी तो होगी हमारे ऊपर खुदा की नज़र, गॉड का कभी ना कभी नज़र जरूर पड़ेगा और हमें भी फिर से कभी खुशियाँ एक बार ज़रूर मिलेगी। अगर कहीं है स्वर्ग, अगर कहीं भी आपको खुशी मिले तो उस खुशी को पाने के लिए हमें पूरा मेहनत करना चाहिए। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत पर यकीन रख। सिर्फ तो अपने जीत पर यकीन रख कि तुमको जीतना है। सुबह और शाम के रंग हुए गगन को चूमकर, सुबह और शाम का रंग
इस गगन की आप देखे होंगे आकाश में जो रंग होता है सुबह और शाम का अलग अलग प्रकार का कलर हो जाता है, वैसे ही हमारी जिंदगी है। जब दुख आएगा तो अलग प्रकार की जिंदगी हो जाती है, सुख आएगा तो अलग प्रकार की जिंदगी हो जाती है। तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर, और ये जमी तो शुरू से ही गा रहा है, झूम झूम के गा रहा है यार। इस जिंदगी में, इस दुनिया में दुख और तकलीफ तो आना ही है, तभी तो पता चलेगा कि दुख का मजा क्या होता है और सुख का मजा क्या होता है। जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी आप चलना नहीं सीखेंगे। अगर आप हमेशा ही सफलता पर, असफलता ही सफलता का गुण है, यानी सफलता की राह दिखाता है। अगर आप किसी चीज में फेलुअर हैं तो आप में कुछ कमियां रही होंगी, उस कमियों को ढूंढिए, खुद के अंदर झांकिए और ढूंढिए कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई और उसको दूर कीजिए। तू आ मेरी श्रृंगार कर, तू आ मेरी, तू आ मेरे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। यहां पे जो सेंटेंस है फिर वही बात दोहराया जा रहा है कि अगर तू जिंदा है तो बस अपने जीत पर यकीन कर कि तुम जीतेगा। परेशानी आएगी उसको दूर करना है हमको, अपने स्ट्रगल से, अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से उसको कोसों दूर करना है और सिर्फ कामयाबी ही पाना है। हजार अभेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। हजार परेशानियां अलग अलग रूप में आएगी, अलग अलग प्रकार का तकलीफ, आपके परिवार से भी तकलीफ मिल सकता है, आपके चाहने वालों से भी तकलीफ मिलता है, अलग अलग रूप में परेशानियां रूप पकड़ के आती है। अगर वहां पर आप हार गए, अगर वहां पे आप हार गए तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उससे लड़ने की कोशिश कीजिए, उस परेशानी से लड़ने की कोशिश कीजिए, उससे जूझिए और उसका सामना कीजिए। वो हार के चला गया, समझिए आप एक सफल व्यक्ति बनने वाले हैं। अगर आपकी जिंदगी में परेशानी आ रहा है इसका मतलब कि आप कुछ जिंदगी में बेहतर करने वाले हैं, इसलिए बार बार रुकावट आता है। वैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी कि कभी कभी हम लोगों को वैसे दिन में कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन जब पढ़ने का मन करता है पढ़ने बैठते हैं तो लाइट कट जाता है, एकाएक लाइट कट जाएगा, फिर थोड़ा सा आलस जैसा आएगा, सोने जाएंगे तब तक लाइट आ जाएगा। ऐसा हमेशा हम लोगों के साथ होता है, और फिर उसके बाद से सोचते हैं कि अब क्या पढ़े, तब तक पूरी रात लाइट रहती है, और फिर जब भी सुबह में उठने का प्रयास करते हैं और उठ के पढ़ते हैं लाइट कट जाती है। इसका मतलब कि अगर आप पढ़ लेंगे तो आप कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे। आपको बार बार कोई ना कोई रुकावट आएगा, उससे आप डरे नहीं, जबरदस्ती उससे मतलब सामना करें, आपके अंदर वो सामना करने का गुण होना चाहिए। नई सुबह के संग सदा मुझे मिली नई उम्र, और हर एक नई सुबह आपका नए सोच के साथ जन्म होना चाहिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पे, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, और तू जिंदा है तो जिंदगी के सिर्फ जीत पर यकीन कर, तू जीतने के लिए बना है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, हमारे काफिलों का, हमारे जो भी चाहने वाले समूह हैं उनको सिर्फ आपके मंजिलों का इंतजार है, आपके लक्ष्य का इंतजार है कि कब ये सफल हो रहा है, और इस सफलता में अनेक बाधाएं आएंगी। यहां लिखा है सेंटेंस, ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है, और जितनी भी आंधियां हमारे सामने आएंगी, जितनी भी बिजलियां गिरेंगी, जितने भी प्रॉब्लम आएंगे, उनके पीठ पर सवार होकर हमें सफलता का परचम लहराना है, यानी सफल व्यक्ति बनना है। तो आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पे, और तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। यानी कि हमको एक कदम मिला करके और फिर अपने सफलता को प्राप्त करना है, हमें अपने सोच को पीछे नहीं जाने देना और नहीं हमें अपने पास्ट को याद करना है। ऐसी चीज को हमें जिंदगी में कभी याद नहीं करना है जिससे कि हमें तकलीफ हो। अगर पास्ट में तकलीफ होता है तो उस तकलीफ को भूल जाने में ही सबकी भलाई होती है। यहां देखिए, जमी के पेट में पली अगन पले है जल जले, यानी कि जमी के पेट में तो आग भी पलता है, यहाँ पे भूकंप भी तो आते हैं, टिके न टिक सकेंगे भूख के रोग के स्वराज ये। अच्छा मान लीजिए कि इसी जमीन पर, जमीन से आग भी निकलता है और इसी जमीन पर भूकंप भी आता है, फिर भी हमारा जो भूख है, अंदर की जो भूख है, हम लोग खाना खाते हैं तो इसी जमीन से हर चीज उपजाते हैं, उसी तरह परेशानी यहीं पे आएगा, इसी जिंदगी में मिलेगा। हमारा एक ठो तो जिंदगी है और ये बहुत ही खूबसूरत है, और इसी जिंदगी में दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगा, जो टिक गया वो कुछ अच्छा कर गया, ये जिंदगी में हमेशा हमको याद रखना चाहिए। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम,
जितनी भी मुसीबत और तकलीफें आएंगी उसको कुचल के हम लोग साथ चलेंगे, अपने खुशियों को पाने के लिए हर एक मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर तू कहीं है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, अगर कहीं भी खुशी मिले तो उसे जमी पे उतार ला। और स्वर्ग का मतलब होता है खुशी से है, आपको जमी पे उतार लाना है। और तू जिंदा है तो जिंदगी के सिर्फ जीत पर यकीन कर। अगर आप जिंदा है अपने जिंदगी में तो बस अपने जीत के बारे में सोचिए, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए कि हम जिंदा है तो भगवान हमें किसी मकसद के लिए जिंदा रखा है और इसके जीत पर ही सिर्फ यकीन रखना है। अगला लेयर है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। इस पेट की आग बहुत बुरी है और इस पेट की आग यानी पेट की भूख ही हमें काम करना सिखा देती है, हर एक काम में इन्वॉल्व होना सिखा देती है। और ये दिल के दाग, और जिसके दिल पर चोट लगा रहता है उसे हर एक शौक, शौक मतलब लोग सीखने को मिल जाते हैं। बहुत लोगों का एक कहावत कहा गया है, जिंदगी में दुख और तकलीफ तो आते ही रहती हैं। एक छोटा सा मतलब शायर हम कहीं से सुने थे कि न दुख न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर आग लगी है और आपको किसी के वजह से परेशानी है तो कुछ ना कुछ आपको कुछ यूनिक करना चाहिए अपने लिए। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, और एक दिन भी दब नहीं सकेंगे। और इनकलाब यानी अपने जीत का परचम लहरा के रहना है, जीत का झंडा लहरा के रहना है। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नई नवीन घर। जुल्म के महल यानी जितनी भी परेशानियों के जितनी भी चीजें वो सब गिर करके एक नए खुशियों की जिंदगी की शुरुआत होगी। कब? जब अपने जिंदगी को एक जीत का शौक मान लें कि सिर्फ हम जीते, हम जिंदा ही हैं जीतने के लिए, ये जिंदगी में अपने एक मकसद बना लें। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पे, और तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। यही आपका कहानी है जो कि बहुत ही अपने जिंदगी को बदल देने वाली कहानी है। अपने जिंदगी में हम कभी भी हार नहीं माने, या तो जीते और नहीं तो कुछ सीखे, हार नाम का वर्ड अपनी जिंदगी से मिटा दे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये जो आपका मोटिवेशनल एक प्रकार का वीडियो रहा जो कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो फिर अगले लेसन में हम लोग जो भी आपके किताब का कहानी है, ठीक है, उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।